नरेंद्र के अयोध्या धाम में आयोजित भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रीय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी, माननीय मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी, माननीय मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जी, माननीय मंत्री जयवीर सिंह जी, माननीय मंत्री सतीश शर्मा जी, अयोध्या के लोकप्रिय महापौर आदरणीय गिरीशपति त्रिपाठी जी, महानगर के अध्यक्ष कमलेश श्रीवास्तव जी, जिला अध्यक्ष आदरणीय संजीव सिंह जी, माननीय विधायक वेद प्रकाश गुप्ता जी, महंत कमल नयन दास जी, जगतगुरु रामानुजाचार्य जी, महंत श्री राजकुमार दास जी महाराज, महंत श्री धर्मदास जी महाराज, महंत श्री अवधेश दास जी महाराज, महंत श्री मैत्री रमण शरण दास जी महाराज, जगतगुरु राम दिनेशाचार्य जी महाराज, माननीय विधायक अमित सिंह चौहान जी, माननीय विधायक रामचंद्र यादव जी, माननीय विधायक अभय जी, माननीय सदस्य विधान परिषद हरिओम पांडे जी, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आदरणीय मनोज सिंह जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार अवनीश अवस्थी जी, आदरणीय संजय प्रसाद जी, उपस्थित सभी हमारे सामने आए हुए भाई बहनों, व्यवस्था से जुड़े सभी ऑफिसर्स, संत महात्मा, पत्रकार मित्रों, अयोध्या धाम में सबसे पहले प्रभु राम के चरणों में, राम दरबार के चरणों में नमन करता हूं, दंडवत प्रणाम करता हूं। आज अयोध्या धाम में 500 सालों की तपस्या को पूरा करते हुए भव्य राम मंदिर के निर्माण के बाद, लोकार्पण के बाद भव्य दीपोत्सव का यह पहला कार्यक्रम है। ऐसे अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की तरफ से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपकी तपस्या और लगन ने इस अद्भुत धरा पर अयोध्या धाम में प्रभु राम के भव्य मंदिर निर्माण की जो सोच थी, 500 वर्षों का जो संघर्ष था, उसको धरातल पर उतरते हुए हम सब देख पा रहे हैं। मैं अयोध्या वासियों को, पूरे उत्तर प्रदेश वासियों को भी भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं 2017 के बाद से आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस ढंग से अयोध्या धाम का चतुर्मुखी विकास हुआ है, आप सोचिए 50,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाएं। अयोध्या हम लोग बचपन से आते जाते रहे हैं, लेकिन वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, चौड़ी रोड, डिवाइडर युक्त सड़कें, बिजली का वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, चारों तरफ आप देखेंगे तो अयोध्या धाम में प्रसन्नता की लहर बह रही है। भव्य एयरपोर्ट बनकर के तैयार है। आज हम कह सकते हैं पूरे देश दुनिया से अयोध्या धाम जुड़ चुका है। दुनिया का हर सनातन धर्म मानने वाला व्यक्ति अयोध्या धाम आना चाहता है। दुनिया का हर व्यक्ति चाहता है अयोध्या में उसकी भेरकुटी हो। बड़े बड़े उद्योगपतियों ने यहाँ पर होटल निर्माण किए हैं। इसी अयोध्या धाम में हम कहते थे शाम को अचानक वीरानगी आती है, लेकिन अयोध्या धाम में राउंड क्लॉक महसूस होता है कि प्रभु राम लला स्वयं पधारे हैं। चारों तरफ शाम हो सुबह हो, हर्षोल्लास का वातावरण छाया हुआ है। मैं इस प्रभु राम के चरणों में नमन करते हुए पूरे प्रदेश वासियों को दीपोत्सव पर्व की बहुत बहुत बधाइयां देता हूं, भैया दूज की बधाइयां देता हूं, गोवर्धन पूजा की बधाइयां देता हूं। इस बार का दीपोत्सव और अद्भुत है। हर वर्ष होता है, अपना ही रिकॉर्ड प्रभु राम की कृपा से टूटता है। इस बार भी 25 लाख से अधिक दिए सरयू तट पर जगमगाएंगे तो उत्तर प्रदेश सरकार का अपना ही रिकॉर्ड टूटने जा रहा है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होने के लिए जा रहा है। ऐसे अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।